हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपके लिए ले आए हैं कुछ नया। आज हम आपको बताएंगे कि बिना छौंका लगाए भी आप स्वादिष्ट दाल कैसे खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई कहता हो कि हमें बिना फ्राई किए खाना है, कोई कहता हो हमें सिंपल खाना है, मुझे ऑयल नहीं उसमें डालना है, तो आप कैसे छौंका भी लगा सकते हैं वो भी बिना ऑयल के। तो चलिए बताते हैं इस दाल को आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले हमने 1.5 कटोरी अरहर की दाल लिया है और 1 कटोरी चना दाल। इन दोनों को हमने आधे घंटे पहले ठंडे पानी में भिगो के रखा था। इन दोनों दाल देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आधे घंटे पहले भिगो दिया था हमने, उसके बाद में छान के अलग कर लिया है। चलिए इन दोनों दाल को हम कुकर में डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं बना के स्वादिष्ट दाल, वो भी बिना छौंका लगाए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दोनों दालों को हमने कुकर में डाल दिया है। दोनों दालों को डालने के बाद में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और सेम रेशियो में हम 1 चम्मच अजवाइन। जिस रेशियो में आप जीरा लीजिएगा उसी रेशियो में आपको अजवाइन भी लेनी है। अजवाइन आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब हम डालेंगे हींग। देखिए हींग की मात्रा जो है छोटे चम्मच से 1 चम्मच है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। 1 चम्मच हम लहसुन यूज कर रहे हैं, वो भी कूट के। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी यूज कर रहे हैं। हमने 1 चम्मच अदरक के टुकड़े को बारीक कट किया है, 2 टमाटर को कट किया है, 6 हरी मिर्च बीच से फाड़ के हमने ली है। इन सारी चीजों को हमें दाल में डाल देना है एक साथ। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। अब इसमें हम 1/2 लीटर पानी डालेंगे। 1/2 लीटर पानी डालने के बाद में कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे फ्लेम पे रखने के बाद में 1 सीटी फुल फ्लेम पे और 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे हमें लानी है। टोटल 3 सीटी हमें लगाना है इस दाल को पकाने के लिए। चलिए आपसे अब मिलेंगे जब हमारी दाल पक जाएगी। देखिए दोस्तों तैयार है हमारी दाल। चलिए इसे खोल के आपको दिखाते हैं। आपको 3 सीटी ही लानी है और ये दाल थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है और हमने छौंका भी नहीं लगाया है। चलिए इसे निकाल के दिखाते हैं बाउल में। देखिए दोस्तों तैयार है हमारी स्वादिष्ट दाल। इसमें हमने छौंका भी नहीं लगाया है, बहुत ही साधारण तरीके से। इस तरह से आपको करने से आपका समय भी बचता है। अगर आपके यहाँ 2 तरीके से लोग खाने वाले हैं, एक छौंका लगा के खाने वाले, एक सिंपल खाने वाले, तो दोनों को ये दाल पसंद आएगी। आपको 2 बार बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कम समय में अच्छा काम इस तरह की दाल है। चलिए दिखा देते हैं कि इस दाल को आपको कितनी गाढ़ी बनानी है। ये देखिए ये दाल थोड़ी गाढ़ी ही रखिएगा। इस तरह से आप बनाकर जरूर खाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।